क्वेश्चन नंबर टेन पे आते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन में क्या इन अ टेस्ट अ कैंडिडेट अटेम्प्टेड ओनली एट मार्क्स इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस इफ ही ऑप्टेंड अ टोटल ऑफ फोर्टी परसेंट इन द टेस्ट एंड ऑल क्वेश्चंस इन द टेस्ट इक्वल मार्क्स हाउ मेनी मार्क्स वर देयर इन द टेस्ट वेरी सिंपल अच्छा इन अ अ टेस्ट कैंडिडेट अटेम्प्टेड ओनली एट क्वेश्चन एंड सपोज देर आर टोटल एक्स क्वेश्चनस भी हम कह सकते हैं ठीक है ओके okay. तो हम लोग क्या करते हैं एक एक कैंडिडेट ने एक टेस्ट में एट क्वेश्चन अटैम्प्टे और उसने फिफ्टी परसेंट मार्क्स सिक्योर करे इन ईच कश्चन्स ठीक है तो हर एक क्वेश्चन का हम लोग ऐसा करते हैं सपोज लेट लेट देर आर देर आर टोटल टोटल एक्स क्वेश्चन ठीक है एक्स uh, क्वेश्चन अगर मैं टोटल ले लूँ सपोज देर आर टोटल एक्स क्वेश्चनस और ईच क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कैरीज कैरीज सपोज 10 मार्क्स 10 मार्क्स ठीक है तो अगर x questions हैं आप x को आप किसी नंबर से भी रिलेट कर सकते हैं अगर दो questions हैं और हर क्वेश्चन दस नंबर का है तो 2 इंटू टेन ट्वेंटी मार्क्स टोटल मार्क्स हो जाएंगे तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर एक अगर दे रहा x टोटल और ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स तो टोटल मार्क्स कितने जाएंगे 10 into x, टेन हो जाएंगे ठीक है ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को आई होप सो ओके okay, चलो डोंट मेंशन नाउ योर सैनिक स्कूल मार्क्स वेरी गुड बहुत अच्छी बात है ठीक है ठीक है टोटल मार्क्स इतने आ गए ठीक है अच्छा अब क्या दिया है अब ध्यान से देखना अब यहाँ पर जो जो कैंडिडेट है उसने कितने अटेम्प्ट किए एट क्वेश्चंस ठीक है उसने एट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए एट क्वेश्चंस और उनको उसको जो एट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के जो उसको मार्क्स मिले दैट दैट इज़ नथिंग बट फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन ईच क्वेश्चन अब देखो हर क्वेश्चन दस नंबर का है फिफ्टी परसेंट का मतलब है आधे ठीक है तो उसको उसको क्या मिले उसको आधे इसका मतलब एक क्वेश्चन में उसको पाँच नंबर मिलेंगे तो आठ क्वेश्चन में उसको कितने नंबर मिलेंगे होंगे एट क्वेश्चन में आप इसको इमेजिन कर सकते हैं आठ को एट इंटू टेन होना चाहिए था ना वैसे टेन लेकिन हर क्वेश्चन में उसको आधे नंबर मिले हैं हाफ सो दिस विल गोइंग टू गिव यू फोर्टी तो फोर्टी मार्क्स आए इसके ठीक है आउट ऑफ टोटल और ही ऑप्टेंड अ टोटल ऑफ फोर्टी परसेंट अरे फोर्टी परसेंट आए इसके मार्क्स अरे बस तो ये तो बहुत ईजी है ओके okay. तो कैसे करेंगे फोर्टी परसेंट वेरी ईजी ठीक है तो फोर्टी परसेंट कैसे आए उसके मार्क्स सी ही ऑप्टेंड फोर्टी ना फोर्टी मार्क्स और वो फोर्टी मार्क्स किसके इक्वलेंट है परसेंटेज में फोर्टी परसेंट के इक्वलेंट है अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं ठीक है परसेंटेज निकालने का बड़ा अच्छा तरीका है ठीक है फोर्टी अगर मैं जैसे जैसे मैं परसेंटेज देखूँगा परसेंटेज जो मार्क्स आए हैं कैंडिडेट के दैट इज़ नथिंग बट फोर्टी परसेंट अच्छा परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग मार्क्स कितने आए उसके उसके आए फोर्टी आउट ऑफ टोटल मार्क्स टोटल कितने हैं टेन एक्स इन टू हंड्रेड कर दूंगा तो आई विल गेट फोर्टी परसेंट बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो सॉल्व करो एंड एक्स निकालो एक्स का मतलब क्या है एक्स का मतलब है द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वही आपसे पूछा हमने क्वेश्चन सो मैं फिर से लिखता हूँ फोर्टी मार्क्स आए अपॉन टोटल टेन एक्स मार्क्स इंटू हंड्रेड कर दूंगा तो आई विल गेट परसेंटेज फोर्टी परसेंट ठीक है तो आ, इसको हम लोग ऐसे करते हैं फोर्टी इंटू हंड्रेड अपॉन फोर्टी यहाँ ले आते हैं और टेन एक्स को वहाँ ले लेते हैं ठीक है यहाँ से फोर्टी से फोर्टी कैंसिल तो टेन एक्स कितना आ गया हंड्रेड एक्स कितना आ गया टेन एक्स टेन आ गया मतलब टोटल क्वेश्चन कितने हैं टोटल क्वेश्चन कितने हैं दस क्वेश्चन हैं ठीक है ठीके? ओके तो जितना सिंपल हो सके मैंने आपको बताने की कोशिश करी है आप कुछ भी ले सकते हैं आप ईच क्वेश्चन कैरी टू मार्क्स भी ले सकते हैं थ्री मार्क्स भी ले सकते हैं एज यू विश ओके दर इज नथिंग क्योंकि आपको क्या निकालना है यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ठीक है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इफ़ यू हैव टू फाइंड तो कोई दिक्कत नहीं है ओके